कि आज मिलावट के नाम पे जिस तरह खाद्यान्न लोगों के बीच चल रहे हैं, ऑयल जिस तरह आज रिफाइंड ऑयल के नाम पर जिस तरह आपको केमिकल की चीज़ें पिलाई जा रही हैं, और हर एक को लगता है जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, फटाफट 70-70 रुपए एक लीटर का आप ऑयल ले लीजिए, हर चीज़ें बड़े चाव से आप कहते हो, फिर कहते हो हमने तो कोई गलत नशा नहीं किया था, हमें कैंसर कैसे हो गया, हमारी किडनी कैसे फेल हो गई, हमारा बच्चे का हार्ट अटैक कैसे हो गया, हमारी पति को ये बीमारी शुगर की बीमारी कैसे हो गई। जिस तरह आप नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाओ, अपने अपने क्षेत्रों में मिलावटखोरों के विरुद्ध एक अभियान चलाइए। हर जगह मिलावट हो रहा है, मसालों में मिलावट हो रही है, वही हल्दी आपको बाजार में जिस रेट मिले उसे आधे रेट में पीसी हुई हल्दी मिल जाएगी। मीडिया अनेकों क्षेत्रों में हजारों हजारों कुंटल के बारे में बताता कि यहाँ किस तरह प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, मगर सरकारें, मक्कार सरकारें शांत बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको तो बस वोट जीतने, चुनाव जीतने के अलावा देखना ही नहीं है कि समाज में मिला किस तरह जहर लोगों को पिलाया जा रहा है। जिस तरह शराब समाज को पिलाई जा रही है, उसी तरह समाज को खाद्यान्न दिया जा रहा है मसालों के नाम पे। आप शादी ब्याह में जाते सब आप लोग ठेका दे देते हो दूसरों को। पहले शादी ब्याह होती थी, लोग खड़ा मसाला अच्छे से साफ करते थे, तैयार करते थे, पहले से रिश्तेदार लगते थे, मसाले को बांटते थे, अच्छा भोजन बनता था। आज सब ठेके में दे दिया जाता है कि सब वो बना लेंगे, ठेकेदार कर लेंगे, हमें तो केवल पैसा देना है। ये पैसे का अभियान ही तुम आप लोगों को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहा है। दिशाविहीन रास्ता जब तय करोगे तो बर्बादी के रास्ते, शादी ब्याह में जाओगे, बड़े अच्छे अच्छे पकवान नजर आएंगे, तेल महकता हुआ कि आपको आधा किलोमीटर दूर से वहां की महक आएगी, क्योंकि सब केमिकल को उपयोग किया जाता है। जब खा के आओगे तो उस रिश्तेदार ने बुलाया था, आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे ऊपर कोई मारण प्रयोग करा दिया। और जब किसी झाड़ फूंक वाले के जाओगे तो मक्कार व्यक्ति कह देगा आपके रिश्तेदार ने, जहाँ पर आप खाना खाने गए थे, थोड़ा बहुत आप पहले बता ही देते हो, वहां पर आपके खाने में ऐसी चीज खिला दी गई है। जब जहर खाओगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उन रिश्तेदारों कुछ करने की जरूरत नहीं। अतः सावधान रहो, ऐसे जगह जाओ, व्यवहार देकर वापस लौट आओ, घर में नमक रोटी जो मिले वो खा लो, ऐसी पार्टियों में भोजन करने से बचो, या गहराई से जाकर के देखो किस तरह कार्य किया जाता है, किस तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको दूध घी से दूर रखा जा रहा है। डॉक्टर जो भी आजकल पश्चिमी सभ्यता से पढ़ करके आते हैं कहेंगे दूध बच्चों को मत पिलाओ। अरे उन मक्कारों को, अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि दूध में हमें कितनी चीजें प्राप्त हो जाती है एक साथ। पहले जो लोग दूध घी खाते थे ना बीमार पड़ते थे, स्वस्थ रहते थे, उम्र लंबी होती थी, ताकतवर बनते थे, हम उसे दूर हो गए। सरसों तिली इस तरह के आयलों से आपको दूर कर दिया गया, नारियल तेल के आयलों से दूर कर दिया गया, और दिया क्या गया, रिफाइन आयल। बड़ा विज्ञापन किया जाता है, अनेकों जगह पकड़ा जाता है कि जहां तेल जो जला जला के कढ़ाई में काला कर दिया जाता है उसे भी 5-10 रुपए लीटर खरीद लेते हैं और उसमें केमिकल मिलाते हैं, बिल्कुल तेल की कलर का हो जाता है, और उसे बाजार में पुनः बेच दिया जाता है। मार्केट में जाओ, किसी जगह जाओ, आप पता कर लो, आपको 4-5 प्रकार के रिफाइन आयल मिल जाएगा, बिल्कुल केमिकल का उपयोग कराया जाता आता है। संकल्प करो कि रिफाइंड ऑयल का उपयोग बिल्कुल मत करो। आप किसान हो, आपके घरों में आसपास गांव में सरसों मिल जाता है, आप घरों में मंगा लीजिए। खुद पहले लोग पिराते थे, आपस में एक दूसरे से खरीद लेते थे, उस सरसों के ऑयल का उपयोग करो, घी का उपयोग करो, दूध का उपयोग करो, बड़े बड़े विज्ञापन आपको मिल जाएंगे, ऐसे विज्ञापनों से अपने आप को बचाओ।